ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा में कभी कांग्रेस के चंदनमल बेदी की तूती बोलती थी। वे राज्य मंत्रिमंडल में प्रभावी मंत्री के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। बाद में इस निर्वाचन क्षेत्र में पंडित भवनलाल शर्मा ने अपनी पैठ जमा ली। वे यहाँ से 6 बार विधायक रहे। उन्होंने 4 बार यहाँ से विधायक रहे बेत का रिकॉर्ड तोड़ 6 बार विधायक रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अनिल शर्मा वर्तमान में यहां से विधायक है। यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी सजग रहा है। यहां से 2 बार भाजपा के विधायक भी रहे हैं, मगर जाट बाहुल्य इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। बता दे, सरदार शहर सीट पर एक बार फिर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। पंडित भवनलाल शर्मा की मृत्यु के बाद दिसंबर 2022 में उपचुनाव में उनके पुत्र और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा को 26,852 वोटों से हराया था। आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंड तीसरे नंबर पर रहे थे। अनिल शर्मा को कुल 91,357 वोट मिले थे। भाजपा के अशोक पिंचा को 64,505 और आरएलपी के लालचंद मुंड को 46,753 वोट मिले थे। आजादी के बाद हुए 16 चुनावों में से 10 में यहां से कांग्रेस ने बाजी मारकर अपने दमखम का परिचय दिया है। सरदार शहर विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या करीब 2,89,500 है। इनमें से 2,19,500 मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से है, जबकि 67,000 मतदाता शहर क्षेत्र से है। जातिगत मतदाताओं की बात करें तो सर्वाधिक मतदाता जाट समाज के हैं। यहां जाटों के कुल वोट करीब 74,500 है, जबकि दूसरे स्थान पर हरिजन आते हैं, जिनके वोटों की संख्या करीब 55,000 है। यहां ब्राह्मण वोटर करीब 40,500 है, जबकि करीब 23,000 मुस्लिम वोट है। राजपूत 20,000, माली 10,000, कुमार 8,000, स्वामी 8,500, सोनी 8,000, सुधार 7,000, जैन 4,000 और अग्रवाल समाज के करीब 4,000 मतदाता है। अन्य जातियों के करीब 20,000 वोटर और है। बता दे, सामाजिक वोटों को देखा जाए तो सबसे भारी पलड़ा जाट समाज का है। इस क्षेत्र में शुरू से जाट मतदाताओं का दबदबा रहा है। कांग्रेस से निवर्तमान विधायक अनिल शर्मा टिकट के सशक्त दावेदार है। भाजपा से वैसे तो अशोक पिंचा सहित कई दावेदार है, जिनमें पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा भी शामिल है। अशोक पिंचा 3 चुनाव हार चुके हैं, मगर ये सभी कमजोर उम्मीदवार गिने जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री दौलतराम सारण की पुत्रवधू सुशीला सारण एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने आई है। सुशीला एक बार दिल्ली विधानसभा से विधायक रह चुकी है। सुशीला कई बार सरदार शहर के ग्रामों का दौरा कर चुकी है और मतदाताओं विशेषकर महिलाओं में काफी लोकप्रिय है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी यहां से 46,000 वोट ले चुकी है, जिनमें अधिकांश जाट मतदाता शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्रों में इनके स्वर्गीय ससुर दौलतराम सारण की लोकप्रियता का फायदा इन्हें मिल सकता है। यदि बीजेपी सुशीला को अपना उम्मीदवार बनाती है तो कांग्रेस को यहाँ से नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।